नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ सुनीता शर्मा। आपको बता दें कि एक तरफ तो आसाराम रेप केस के मामले में आजीवन कारावास काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के आश्रम से एक बार फिर से रेप का मामला सामने आया। जी, आपको बता दें कि उनके गौड़ा आश्रम से 13 वर्ष की बालिका के साथ रेप केस का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस छानबीन कर रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम के गौड़ा आश्रम में कार के अंदर एक 13 साल की बच्ची की लाश मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। बच्ची बीते 3 दिनों से अपने घर से गायब थी। यह आश्रम विमोर गांव में है। पुलिस ने पूरे आश्रम को सील कर दिया, साथ ही आश्रम के चौकीदार ने बताया कि यह कार करीब 8 महीने से यहां खड़ी है। कार से अचानक तेज बदबू आने की वजह से जब कार को खोलकर देखा तो उसमें लड़की की लाश दिख गई, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चौकीदार से पूछताछ की और शव निकालकर कार को सील कर दिया। पहचान छिपाने के लिए बच्ची के चेहरे पर केमिकल डाला गया है। बताया जा रहा है कि परिवार का मुखिया 3 साल पहले गायब हुआ था। आज तक परिवार के मुखिया का पता नहीं चला। माना जा रहा है कि घटना जमीन विवाद को लेकर है। बच्ची की माँ ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई। अब पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच कर रही। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि शव सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच बरामद हुआ। वहीं कोतवाल का कहना है कि देखने में शव काफी पुराना लग रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद खुलासा होगा। साथ ही बता दें, नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा। इस वक्त आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। अगस्त 2013 में रेप के मामले के सामने आने के बाद से आसाराम की गिरफ्तारी हुई। रेप केस में फैसला आते ही आते करीब 5 साल लग गए। इस दौरान आसाराम ने कभी बेल मांगी तो कभी लड़की को नाबालिग मानने से इनकार कर दिया, लेकिन पीड़िता और उसके वकीलों ने हार नहीं मानी।